फ्रेंड्स दोस्तों वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेवरिक ड्रिफ्टर। इसमें आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ श्योरकॉम मेड इन चाइना का प्रोफेशनल इक्विपमेंट प्रोडक्शन, ये जो है ये है एक रिपीटर कंट्रोलर। रिपीटर कंट्रोलर का ज़रूरत तब पड़ता है, इसमें लिखा हुआ है आपको दिखाई देगा रिपीटर कंट्रोलर। ये बहुत ही आसान है, मतलब इसको कॉन्फिगर करना, कॉन्फिगर क्या, इसको रेडियो पे कनेक्ट करना है। तो ये है श्योरकॉम कंपनी का जो कंट्रोलर मतलब क्या है कि आपका दो रेडियो को ऐसे यूज़ करना है कि एक रेडियो में आपको सिग्नल मिलेगा और एक रेडियो उसको रिट्रांसमिट करेगा, मतलब रिपीट करेगा। तो ये इसीलिए रिपीटर कंट्रोलर बोलता है। रिपीटर कंट्रोलर का तब जरूरत पड़ता है इमरजेंसी सिचुएशन पे, आपका सपोज लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बन नहीं रहा है, आपको लाइन ऑफ साइट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का दो रेडियो का बीच में आप है पॉइंट नंबर ए में और आपका जो बॉडी है वो पॉइंट नंबर बी पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच में बहुत बड़ा एक पहाड़ है जिसका वजह से बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, अर्बन एरियाज है, जिसका वजह से आपका डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या है कि ये जो श्योरकॉम का रेडियो रिपीटर कंट्रोलर, वो आप दो बाओफेंग हैंडी बाओफेंग वाकी टोकीज को आप रिपीटर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, मतलब कोई टाम जाम का ज़रूरत नहीं है। ये प्लग इन प्ले है और बहुत ही सस्ता है, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में इसको तो यूज़ करने के लिए रेडी रखना ही चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, कम से कम 40-50 यूनिट एक सिटी में होना चाहिए। तो ये है श्योरकॉम का SR629 रेडियो रिपीटर कंट्रोलर। इसमें मैंने कस्टमाइज करके मेरा कॉल साइन लिख दिया विक्टर यूनिफॉर्म टू माइक यूनिफॉर्म एको VU2MUE लिख दिया मैंने। तो इसमें क्या है कि एक है रेडियो ए, एक है रेडियो बी। ये रेडियो ए है, रेडियो बी है, मैंने रेडियो वन कर दिया, रेडियो टू कर दिया, कोई नहीं। और इसमें मैंने मेरा लाइसेंस का नंबर लगा दिया, मेरा लाइसेंस नंबर 223753 है और मैंने लगा दिया ऐसे ही शौक के लिए इमरजेंसी कम्युनिकेशन, क्योंकि इमरजेंसी में इसका यूज़ होता है। जैसे लाइन ऑफ साइट नहीं बनता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, इसमें दो केबल दिया हुआ है। ये केबल जो इन लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है इसमें कनेक्ट करने के लिए, इसमें आप देखिए 46K केबल जो है रिपीटर केबल, 50 सेंटीमीटर लंबा है एंड दे हैव मेड इट फॉर कैनोड। और एक बहुत बढ़िया बात है कि कैनोड रेडियो का जो ये स्पीकर और माइक्रोफोन का जो ये जैक है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है प्रेस टू टॉक, मतलब आपका ये है मैनुअल प्रेस टू टॉक, बट देर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेस टू टॉक ऑल्सो जो अवेलेबल है ये पिन में, जो पिन आउट का जो कॉन्फ़िगरेशन, तो उसी का हिसाब से केबल को बनाया गया हुआ है। और केबल दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसा है देखने में। केबल है ये सिंपल ऑडियो केबल टाइप का है, लेकिन इसको उन लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है कि यहाँ से जब सिग्नल जाएगा तो रेडियो का प्रेस टू टॉक को PTT को, मतलब पुश बटन जो होता है बात करने के लिए, वो आपको अनअटेंडेड रिमोटली ऑटोमेटिकली उसको ऑन करवाना है जब इसको और एक अलग रेडियो से सिग्नल मिलेगा। तो उसी का हिसाब से उन लोगों ने इस केबल को बनाया है। इस केबल का नंबर है 46K। अगर आप अलग केबल यूज़, मतलब रेडियो यूज़ कर रहे हैं तो उसका केबल आप मेंशन कीजिएगा देख के जब ऑर्डर करेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर केबल चाहिए इस पर्टिकुलर रेडियो के लिए। अभी मैं बाओफेंग यूज़ कर रहा हूँ और बाओफेंग का जो पिन आउट है ऑडियो इन ऑडियो आउट का, मतलब स्पीकर आउट और माइक्रोफोन इन का, वो कैनोड हैंडीज का साथ मिलता जुलता क्या एक ही है। तो अभी ये रेडियो वन है, इसको मैंने याद करने के लिए लिख दिया रेडियो वन RX। ये रिसीव करेगा और ये रिसीव करेगा 435.6 MHz पे, 435.6 MHz में ये रिसीव करेगा। और इसको मुझे इस रिपीटर कंट्रोलर का
जो पोर्ट ए है, क्योंकि ये मेरा रेडियो ए है और ये पोर्ट ए है, यहाँ लिखा हुआ है पोर्ट ए, तो ये रिसीवर पोर्ट है, रिसीवर पोर्ट है। देखिए एक ध्यान दीजिएगा, ये जैक कभी कभी आप डालते हैं तो कभी अंदर अच्छा से जाता नहीं है, तो थोड़ा ज़ोर से दबाना है। हाँ, ये अभी अंदर बढ़िया से चला गया, अभी ये ऑफ पोजीशन में है, बीच में जो है ये स्विच, ये ऑफ पोजीशन में है। आपको जब रिपीटर कंट्रोलर बोलना है, बनाना है इसको, और रिपीटर बनाना है दो रेडियो को, एक तो आपको रिसीविंग होगा UHF से और ट्रांसमिटिंग होगा VHF से, या उल्टा हो सकता है, रिसीविंग होगा VHF पे, ट्रांसमिटिंग होगा UHF पे, मतलब ये डुप्लेक्स मोड जो है ना, डुप्लेक्स मोड। तो इसमें फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, देखिए ना, मैं अभी इसको VHF पे, UHF पे रिसीव कराऊंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है 435.6, ये एरो से आपको पता लगेगा। अगर मैं VHF से रिसीव करवाना है, इसको ऊपर चला गया, ये 145.6। मैं अभी 435.6 को रिसीव करने के लिए क्या हूँ, तो अभी एक साइड हो गया रिसीविंग रेडियो हो गया रिपीटर का, और ट्रांसमीटर का एक रेडियो होगा, ये जो आपको ट्रांसमिटिंग के लिए बी पोर्ट जो है, ये जो बी पोर्ट है ये ट्रांसमिटिंग के लिए है। अभी इसको इंसर्ट कर दिया, अभी देखिए ये पूरा अंदर नहीं गया हुआ है, फिर मैं और थोड़ा प्रेस करूँगा हल्का सा, ये अभी पूरा अंदर गया। अभी ये जो रेडियो नंबर 2 है, ये ट्रांसमिटिंग के लिए है, तो ये रिसीविंग के लिए है, ये रीट्रांसमिटिंग के लिए है। अभी इसको मैं लगाता हूँ, इसको रखता हूँ, इसको भी ऑन कर देता हूँ, और इसमें आप देख रहे हैं मैं जो ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी सेट का है 145.6 पे, इसमें रिसीविंग फ्रीक्वेंसी 435.6 पे, इसमें रीट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी 145.6 पे, क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी, दो बैंड जो है, 2 मीटर VHF बैंड और 70 सेंटीमीटर UHF बैंड, मतलब VHF UHF, ये काफ़ी सेपरेशन है ये दोनों फ्रीक्वेंसी का बीच में, मतलब काफ़ी क्या, मतलब बहुत ही है, मतलब 400 MHz समझ लीजिए और 100 MHz समझ लीजिए, जस्ट फॉर एन आइडिया, 400 और 100 का बीच में 300 MHz का आपका सेपरेशन है, जिसका वजह से ये दोनों रेडियो को सेपरेट करने के लिए कोई ये सब बड़ा डुप्लेक्सर का टाम जाम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि रेडियो डिस्टेंस बोल के एक प्रॉब्लम है, अगर दो फ्रीक्वेंसी बहुत ही पास है, जैसे 0.6 MHz, 600 kHz जो हमारा स्टैंडर्ड रिपीटर फ्रीक्वेंसी ऑफसेट है ऑल ओवर वर्ल्ड एमेचर रेडियो का, वो ड्यू टू द बैंडविड्थ प्रॉब्लम, मतलब जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी VHF में 144 to 148 MHz है और UHF में 434 to 438 MHz, तो उसमें UHF में तो थोड़ा बहुत बैंडविड्थ मिल जाता है रिपीटर बनाने के लिए, VHF में रिपीटर बनाने के लिए वो बैंडविड्थ मिलता नहीं है, 600 kHz इसलिए डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। तो अभी मैं दिखाता हूँ दोस्तों, इसी वजह से ये इमरजेंसी सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जब आपका कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट नहीं होता है, ऐसा एक रिपीटर बना के आप कहीं ऊपर हाई लोकेशन में, हायर लोकेशन जैसे 10-story बिल्डिंग, 20-story बिल्डिंग पे लगा के रख सकते हैं, और आपका काम आसानी से हो जाएगा, एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन, कोई टेक्टिकल सिचुएशन हैंडल करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए, आपका जो ग्रुप मेंबर्स है एमेचर रेडियो जो एक्टिविटी करने वाला जो मेंबर्स है, तो उन लोगों का बीच में बढ़िया से नेटवर्किंग हो जाएगा, मतलब आप लोग जब ट्रांसमिट करेंगे सब लोग ट्रांसमिट करेगा 435.6 पे और सब लोग सुनेगा 145.6 पे, बस एज सिंपल एज दैट। तो अभी मैं दिखाता हूँ और एक रेडियो, जो रेडियो से मैं ट्रांसमिट करके दिखाऊँगा वो
अभी आप देख रहे हैं ये जो रेडियो है मेरा, अभी मैं ट्रांसमिट करूँगा 435.6 पे, और मेरा यहाँ पे जो VHF रेडियो है ये 145.6 पे ट्यून किया हुआ है, और आप देख रहे हैं ये 435.6। मैंने ऑन नहीं किया रिपीटर, कंट्रोलर को ऑन करना है। अभी आपको डुप्लेक्स मोड में मतलब UHF टू VHF या VHF टू UHF करने के लिए आपको ये पोर्ट ए का साइड में इसको स्विच को इस साइड में खींचना है। अभी ये ऑन हो गया, अभी मैं दिखाता हूँ 435.6 पे ट्रांसमिट कर रहा हूँ। ये देखिए सिग्नल आ रहा है। हेलो टेस्ट 1 2 3 4 5। हेलो टेस्ट 1 2 3 4 5 टेस्ट। देखिए ऐसे होता है इसका कहानी।